सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवाज बसीन। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और उसमें ट्रेड करा होगा तो आप इतने अच्छे प्रॉफिट में होंगे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो मैंने आपको जो पांच स्टॉक्स बताए थे, टाटा एलेक्सी, TCS, अरविंद, टिन प्लेट और बायोकॉन, तो अगर हम बात करें कि कौन से स्टॉक्स नहीं चले तो उसमें था पहले, सबसे पहले अरविंद। अरविंद तो बिल्कुल भी नहीं चला। टिन प्लेट की बात करें तो टिन प्लेट में मैंने जो आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करा था उस स्टॉप लॉस को उसने हिट करा, वही अपना लो बनाया और वहीं से उसने रिवर्सल दी और हमारे टारगेट्स हमें अचीव हो गए। पर आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो मैं उसके लिए भी कोई अपने बात नहीं करूंगा। और अगर हम बात करें बायोकॉन की तो बायोकॉन को आपका प्रॉफिट अचीव हो गया होगा। अब बात करते हैं टाटा एलेक्सी और TCS। तो TCS पर भी मैंने आपको जो टारगेट्स दिए थे वो टारगेट्स भी आपको अचीव हो गए। टाटा एलेक्सी में मैंने जो आपको टारगेट्स दिए थे सारे टारगेट्स आपको अचीव हो गए होंगे। और जो मैं आपको अपनी वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको सेकंड टारगेट अचीव हो जाए और उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू कर दे तो आपको सेकंड टारगेट को अपना स्टॉप लॉस मान के ऊपर की तरफ अपनी पोजिशन को कंटिन्यू रखना चाहिए और प्रॉफिट को अपना आगे तक कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आपने अगर ऐसा करा होगा तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे। और एक और अच्छी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि मैंने आपको जो TCS के लिए जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी थी कि 3250 का कॉल ऑप्शन बाय करके जरूर चलना जब मार्केट ओपन होगी, तो मैंने आपको बोला था कि 36 रुपीज में बाय करना, पर जब मार्केट ओपन हुई तो वो 50 रुपीज में आ गया था। पर मैंने आपको जो टारगेट दिया था 75 या 80 का, मैंने आपको बोला था उस टारगेट के नीचे जब भी खुले तो आपको बाय करना होगा। और अगर आपने बाय करा होगा, आप अराउंड समझ लीजिए, अगर आपने 50 रुपीज में से बाय करके रखा होगा तो आपके जो कुल इन्वेस्टमेंट लगी होगी, अगर आपने एक लॉट भी बाय करा होगा तो वो होगा 10,500 रुपये। अगर आपने वो 10,500 रुपये भी लगा दिए होंगे तो आप 10,500 रुपये से कम 35,000 रुपये कमा चुके होंगे। तो अगर आपने वो ट्रेड लिया होगा तो आपको बहुत फायदा होगा। मेरे पास बहुत सी कॉल्स आई थी मेरे व्यूअर्स की और मेरे दोस्तों की कि उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ TCS से और अब कौन सी स्ट्रैटेजी 23rd of April या मंडे के लिए हमें रखनी चाहिए जिससे हमें और प्रॉफिट हो। तो बढ़ते हैं मंडे की तरफ। तो ये कुछ पांच स्टॉक्स है जो मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, HEG, अवंती फीड्स, इंडिको, HPCL, ब्लू स्टार। तो ये पांच स्टॉक्स है जो आपके लिए मैं चुन के लाया हूँ। और मैं आपको HEG के बारे में बताऊं तो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको 2775-2815 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 2725 का लगा के चलना होगा। अवंती फीड्स बाय करने की सलाह दी जाएगी 2390-2450 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 2310 का लगा के चलना है। इंडिको की बात करें तो बाय करने की ही सलाह दी जाएगी 1518-1536 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1487 का लगा के चलना होगा। HPCL बाय करने की सलाह दी जाएगी। HPCL का चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो अच्छा नहीं है, पर मैं आपको इसमें कॉन्ट्रा कॉल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये कल आउट परफॉर्म कर सकता है। हमने देखा था कल के मार्केट में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस और इंक्रीज हो गए थे, 74 के ऊपर जा रहे थे और ट्रेड कर रहा था, हमने इसमें देखा था सिर्फ इसी स्टॉक में थी जब शुरुआत में हमने तेजी होते हुए देखी। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है 300 रुपये का और अभी इसने जो क्लोजिंग दी है 299 पे दी है। अगर ये कल 300 रुपये के ऊपर निकल जाता है तो इसमें आप बाइंग पोजीशन बनाइए, 312 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। पर जब 300 रुपये के ऊपर निकले तो ही ट्रेड करिएगा, 295 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ब्लू स्टार बाय करने ही की सलाह दी जाएगी 802-811 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 786 लगा के चलना होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं आपको पहले बता दूं जो यूएस बॉन्ड डील्स है, जो 10 ईयर यूएस बॉन्ड डील्स है, उसका जो 52 वीक हाई है वो है 2.965 और अब जो ट्रेड कर रहा है वो 2.960 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम मान के चले तो 0.15% नीचे है अभी तक जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स ट्रेड कर रहा है 52 वीक हाई के पास। अगर वो ऊपर निकल जाता है, और हमने देखा है कि अभी जो यूएस की मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो भी नेगेटिव साइड में हुई है, अगर वो 652 वीक हाई को क्रॉस कर जाता है तो हम देख सकते हैं कि हमें गिरावट और देखने को मिल सकती है।
और अगर हम अपने इंडियन बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो वो भी इसका जो 52 वीक हाई है 7.78 है, और अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं 7.71 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कुल 0.07 बेसिस पॉइंट्स नीचे हैं हम अपने 52 वीक हाई 10 ईयर बॉन्ड से। तो अब हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपको अभी इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के इसके बाद आपको चार्ट्स में लेकर जाऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि 10,500 जैसे निफ्टी ने अभी फ्राइडे सेशन में होल्ड करके रखा, उसके नीचे नहीं जाने दिया। हम देख पाए कि बैंक निफ्टी वीक हो गया था, पर हमने देखा कि निफ्टी रेंज बाउंड भी रहा ना, उसने 10,600 के लेवल को अभी तक क्रॉस करा है ना, अभी तक उसने 10,500 के लेवल को क्रॉस करा है। तो ये एक साइड बन चुकी है, क्योंकि 10,610 वो मैं और 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर, वो नहीं निकल पा रहा है और 10,500 को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो क्या चार्ट पैटर्न में बन रहा है, क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्या ऑप्शन चेन डाटा शो कर रहा है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी 25,050 जो मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस बताया था उसके नीचे वो चला गया और 25,000 को भी क्रॉस कर दिया उसने। पर हम देख रहे थे कि अच्छी खासी रिकवरी आई, और मैंने आपको कहा था कि क्लोजिंग में वो 25,000 के लेवल को नीचे क्रॉस नहीं होना चाहिए, 25,000 के लेवल के ऊपर ही उसे क्लोज होना पड़ेगा। तो वो क्लोज हो जाता पर मार्केट बंद हो गई। पर अभी लगता है कि मार्केट का भी स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है, अगर हम डेली चार्ट्स की बात करते हैं तो मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है, पर क्या चार्ट पैटर्न शो कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये रेंज है जिस रेंज में रह सकता है, तो अभी आपको नो ट्रेड जोन के बारे में बता रहा हूँ, मतलब अभी आपको ट्रेड नहीं करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मंडे के मार्केट पे। उसके बाद जो रिएक्शन देखने को मिलता है तब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर आप एक दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट अपनी कैपिटल को बचा के चलना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम चार्ट्स की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक का चार्ट शो कर रहा है। तो अभी अगर यहाँ पर देखते हैं तो अब यहाँ देख सकते हैं इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाया है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का मतलब हो गया जब ये इतनी टाइम से बुलिश था, उसके बाद हमने इसमें देखा कि यहाँ पर गिरावट आना शुरू हो गई। 3 दिन से बैंक निफ्टी लो लेवल्स में जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट है, जो इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, इसके ऊपर वो नहीं जा पा रहा था 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। तो आप देख सकते हैं जो इसका लेवल बन रहा है वो 25,400 का बन रहा है। तो 25,400 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है इतने सेशन से, और हम देख सकते हैं कि उसने इस लेवल को, यानी कि जो इसका तीसरा जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम था उसको भी इसने तोड़ दिया 25,000 के लेवल को। अब ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी क्या रेंज बन चुकी है, तो इसकी रेंज अगर हम बात करें तो इसकी रेंज है 32.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है कि है 25,600। तो पहले अगर ये 25,400 को क्रॉस कर देती है तो हम बात करेंगे कि 25,600 तक जाने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर एक स्ट्रांग ऑप्शन चेन डाटा अगर की बात करें तो 25,400 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कह सकते हैं कि पुट राइटिंग हुई हुई है और पुट ऑप्शंस बैठे हुए हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि 25,400 शायद ना वो क्रॉस कर पाए। और अगर डाउनसाइड की बात करें तो डाउनसाइड कहाँ तक जा सकती है, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 25,500 तक ये जा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं कि मैं आपको जो अपनी पिछली वीडियो मैंने आपके लिए जो बताई थी, जिसमें मैं आपको बताता था कि स्टॉक्स को इंट्राडे में सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई थी 13 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इसने 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग ने 26 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ी है डेली मूविंग एवरेज में। इसका मतलब ये है कि अभी भी बुलिश हम बात कर सकते हैं, बुलिश मोमेंटम अभी भी बाकी है, अभी भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम बाकी है, और भी अभी ऊपर आके अपसाइड्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये छोटी बहुत मोटी करेक्शन है 9-10 ट्रेडिंग सेशंस के बाद जो भी ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखे, अगर थोड़ी और नीचे भी जाता है पर हम उसके बाद बाइंग कर सकते हैं और हमें 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक लेवल है जिसे बार बार ब्रीच कर रहा है और इसके पास ही जाके क्लोजिंग दे रहा है, यानी 10,550 के पास ही जाके उसकी क्लोजिंग हो रही है निफ्टी की 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। तो अब इसका जो लेवल है वो है 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसको वो टेस्ट नहीं कर पा रहा, जो है कि है 10,610 का। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट 10,610 का।
इसे अगर क्रॉस करता है तो हम कह सकते हैं कि और ऊपर के लेवल्स यानी 10,750 के लेवल्स भी बिल्कुल आसानी से हमें देखने को मिल सकते हैं। पर अगर उसे वो नहीं क्रॉस कर पाता और नीचे बढ़ना शुरू करता तो नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो है 10,400 का लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। 10,400 का लेवल अगर वो तोड़ देता है तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन इंटरेस्ट बना हुआ है, ऑप्शन चेन में जो सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शंस बने हुए हैं, जो पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं, वो 10,300 में बैठे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सपायरी के अंदर वो 10,300 के लेवल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता और शायद वो 10,600 के लेवल को भी क्रॉस ना कर पाए, जब तक तो कोई बहुत अच्छी या बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के लिए। तो मैंने आपको जो भी बताया, अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आपके जैसे आपने व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि आपको जानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो कौन से कंपनीज, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है इंट्रा डे में, तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको वो वीडियो शो कर जाएगी, उस वीडियो में आप क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन सी कंपनीज में आप ट्रेड कर सकते हैं और कौन सी कंपनीज में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं या आप सेल करके उन्हें प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और आज ही के दिन मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा स्टॉक जो हर दिन 5% के सर्किट में जा रहा है और वो आने वाला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। और मैं आपको एक हिंट दे भी चुका हूँ वो स्टॉक के बारे में, अगर आपको वो हिंट पता है, वो स्टॉक पता है जो मैं आपको अपनी पिछली दो वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके वो बता सकते हैं। वो वीडियो भी जल्द आने वाली है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन पा पाएंगे। और मैं आपसे प्रॉफिट का कोई शेयर नहीं मांगता हूँ, बस मैं आपसे मांगता हूँ आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक बटन को हिट जरूर कर दिया करिए जिससे मुझे पता चल जाया करे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मैं आपके लिए वीडियोज ऐसी बनाते रहूँ। तो मैं शिवांश बसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।